अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरकैया, किचन क्राफ्ट में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ समोसा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक ये डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। इसे थोड़ा सा हम सख्त गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। आटे को मैंने गूंद लिया है, इसे मैंने तकरीबन 1 मिनट गूंदा है और पानी मैंने आधा कप यूज़ किया है। अच्छा, अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया है, हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/2 किलो आलू लिए हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, बस इसे मैं अपग्रेड कर लूँगी। अच्छा जी, आलू ग्रेट हो गए हैं, इसमें अब हम कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें फ्रेश लहसुन डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद जीरा। यहाँ पे 2 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ये इसमें जाएगा। बस इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, इसे साइड पे करते हैं और अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम ड्राई मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसकी हमने मुस्तकील रोटी जो है बेलनी है, गोल नहीं बनानी, हमने इसको लंबाई में बनाना है। यहाँ पे मैंने एक पतली रोटी बेल ली है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। जो मिक्सर हमने बनाया था आलू का, उसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसे हमने इस तरह रोल कर लेना है, इस तरह बना लेंगे रोल। इसको हम इधर रखेंगे और इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे, निशान लगा लेंगे हमें इतना चाहिए। ये वाला साइड वाला पीस हम निकाल लेंगे। इसे इस तरह रखेंगे और इसे अब रोल करेंगे। के किनारे पे हम मैदा लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी। ये हमने गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है, बस इसे इस किनारों पे लगाएंगे। ये इस तरह हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ऑयल को हमने गरम किया है, ऑयल जो है तेज़ गरम होना चाहिए और इसकी फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। बस अब ये इसमें डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। जो हमारा ये जोड़ वाला हिस्सा है, इसको हम ऐसे डालेंगे, यानी कि इसको हम नीचे रखेंगे। नीचे से जब कलर आएगा तो फिर हम इसको इसकी साइड को चेंज करेंगे। बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है गोल्डन, तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे।